साहब का बहुत स्वागत है। आपने देख ली है मैदान, मैदान क्या मैदान पता कर लेगी, गोल कर लेगी बॉक्स ऑफिस पर, या ये फॉल हो जाएगा, क्या होगा मैदान का? मैदान बोनी कपूर और अजय देवगन का जो एक बड़े इसमें प्रोड्यूसर के इसमें, बड़े स्टार के इसमें और बड़े कंटेंट, सबसे बड़ी बात हमारे पहले जो हुआ था हमारे सत्य घटना 1952 से लेकर 62 में फुटबॉल का जो होता और उसके ऊपर कोच के ऊपर क्या क्या तकलीफ हुई थी, ये फिल्म के अंदर टॉपिक है। और फिल्म की कहानी बहुत बेहतरीन है और अजय देवगन ने इसमें इतनी अच्छी तरह से निभाया है रोल को, शायद इसके जगह कोई और एक्टर वो निभा सकता है और एक्टिंग कर सकता है। और रही बात है उसके जो जो कंटेंट की, जो फुटबॉल एक टीम बना के हमको उस वक्त हमारे पास इतना फाइनेंस के अंदर मिनिस्टर के अंदर पैसा भी नहीं था, बताया हमारी सरकार उन्हें भेजने तैयार नहीं होती है ओलंपिक में जाओ मैच फुटबॉल टीम को भेजने के लिए, खर्च नहीं है पैसा नहीं बोलती है, फिर भी इतना वो मिनिस्ट्री में जाके उनके रिक्वेस्ट करके ले लेता है, फिर भी उनको बोलती चार आदमी कम ले जाओ। तो अपना बाप ये बनता है कि भाई मेरे बेटे को कम करता है, अपने बेटे को बोलता है तू नहीं तू मत आना, लेकिन मैं उन जैसे गरीब लोग के गाँव गाँव में से लेके आया होता है, उसे पता है कि ये खेल के मैं इनसे मैच जीतूंगा मैं। और ये फिल्म ऐसे देखने पर ऐसा लगेगा नहीं, आप अभी आईपीएल देख रहे हैं, अभी ज़्यादा हम लोग आईपीएल ज़्यादा देखते हैं ना, क्रिकेट ज़्यादा देखते हैं, फुटबॉल की बहुत कम आता है मैच, तो हम ऐसा लगता है कि आईपीएल लाइव देख रहे हैं, ये हमको लग नहीं रहा था कि वो कहानी बता रहा है और अजय देवगन इसमें एक्टर है, हमें ये लग रहा था कि भाई हम लाइव देख रहे हैं फिल्म के अंदर, इतने अच्छे शूट किया उसने। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैदान में हम खुद मौजूद हैं, खुद मौजूद है, हम लाइव देख रहे हैं, जैसे बड़े बड़े स्क्रीन पे होती है ना वर्ल्ड कप होते तो बड़ी स्क्रीन लगाते बाहर देख लेते, जो स्टेडियम में नहीं जाते थे उनके लिए बाहर होता है। आपको बताना चाहूँगा कि इसकी जो शूटिंग की गई स्पेशली फुटबॉल वाले सीक्वेंस की, वो बकायदा स्पोर्ट्स के ही जो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर उनसे ही शूटिंग की गई, इससे शायद इतना बढ़िया निकला। हाँ उससे जो एक शॉट एक सीन एक जो पैर के लेके घुटने से लेके सर पे लेके, और एक बार वो इतने उसको सब कुछ तकलीफ होने के बाद भी जब बनाता है ना तो उसे कैंसर होता है, और जब उसकी बीवी घर पे आता है सोच में परेशान रहता है टेंशन, उसमें एक बताया उसे बार बार सिगरेट पीते रहता है टेंशन में, सिगरेट पीने के बाद में वो बीवी बोलती है कि भाई ऐसे मरोगे क्या, हाँ ऐसे मरो क्या, या तो चैन से मरना है तो कहीं कुछ करो और चैन से मरो, वो दिमाग में लेता है, फिर जाता है और बोलता है मुझे वापस चाहिए टीम, उसे निकाला हुआ रहता है और उसके खिलाफ सब रहते हैं, लेकिन फिर एक बार चांस देते हैं, वो चांस उसे पता चला मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम भी बहुत कम है, लेकिन मैच तक वो कैसे भी खींच लेता है, लेकिन इतनी तकलीफ उसे होती है, ब्लड आता है उसके मुँह से, लेकिन फिर भी मैदान में खड़े रहता है अपने प्लेयर को। और एक बात है सबसे बड़ा एक फिल्म के अंदर बताया, उस ज़माने में हमको उस कंट्री के अंदर गो बैक बोलते, इंडिया गेट आउट बोलते, लेकिन आज के ज़माने में आज के टाइम में हमें एक हमारे आदमी को कोई गेट आउट नहीं बोल सकता दुनिया के अंदर, लेकिन उस टाइम पे हम कमज़ोर थी हमारी सरकार जो इसीलिए कुछ नहीं कर सकी, लेकिन आज की सरकार ऐसी है कि भाई हमारे एक आदमी के लिए हम पूरा मिशन कर सकते हैं। फिल्म का एक और मैसेज है कि फुटबॉल के प्रति जागरूकता बहुत ज़रूरी है और इंडिया को फुटबॉल में आगे ले जाना भी बहुत ज़रूरी है, शायद फुटबॉल से प्यार हमें फिर से करने की ज़रूरत है, सिंसियर ये भी मैसेज देते हैं। मैसेज ये सही है, लेकिन एक गेम के अंदर बहुत है, फुटबॉल ये गेम नहीं, हमारे पास क्रिकेट है फुटबॉल है हॉकी है ऐसे बहुत गेम है, जैसे हम ओलंपिक में जाते हैं ना तो उसमें 50 गेम है, हमारे देश के अंदर अभी ऐसी कंडीशन है, मतलब इतना देश सरकार हमारी मजबूत है, हम गांव-गांव से अच्छे अच्छे बच्चे लोगों को निकालना चाहिए और हमें उन्हें अच्छा मुकाम तक पहुँचाना चाहिए, ये हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी होती है, और उसके लिए फाइनेंस के लिए टेंशन नहीं, पहले फाइनेंस का टेंशन था इसलिए अलग बात थी, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। और बाकी अजय देवगन का जो परफॉर्मेंस है उसे कैसे आप बयां करेंगे और क्या नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए? अजय देवगन के जो हो तानाजी है, दृश्यम है, शैतान है, मैं तो बोलता हूँ अभी इस वक्त इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रीन पे अजय देवगन चल रहा होगा, क्योंकि शैतान अभी भी स्क्रीन पे चल रही है, नहीं नहीं शैतान चल रही है स्क्रीन पे, मतलब अजय देवगन चल रहा है, और उसकी जो एक्टिंग है तीन एक सिंपल आदमी के अंदर, एक सिंपल आदमी शर्ट पैंट पहना हुआ फॉर्मल ड्रेस पे, और एक ऐसा लगता है आम आदमी के, हमारे जब 15 आदमी में हम चल रहे हैं ना ग्रुप के अंदर एक टीम के साथ में, अजय देवगन बीच में लेके ना तो ये चलेगा अरे अजय देवगन हीरो नहीं है, ये हमारे जैसे ही है, और उसके अंदर जो एक्टिंग करता है वो ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये फिल्म के अंदर एक्टिंग हम देख रहे हैं, नहीं ऐसा लगता है यार हमारे परिवार के आदमी को तकलीफ हो रही है, ये महसूस होता है उसके अंदर एक्टिंग में, हाँ और उसे जब एक्टिंग करता है ना ऐसे बहुत दुख होता है, क्या करूँ ऐसा क्या होगा उसका, नहीं हमको दुख होता है उसके लिए, और मैं भाई उसमें फिल्म के अंदर रोया उसकी एक्टिंग देख कर, और मेरे ख्याल से 1 घंटा पूरा पिक्चर इतना ज़बरदस्त है अजय देवगन के ऊपर, सबसे बड़ी बात और इसने जो फोटोग्राफर जो भी है जो उसने ना अजय देवगन कभी भी देखना इसके नीचे ज़्यादा नहीं रहता है, अजय देवगन के इसके ऊपर इसके क्लोजअप पे बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत फोकस रहता है उसके ऊपर और उसी के ऊपर पूरा पैसा वसूल है, हाँ इसके ऊपर जितना इतना सीन उसके ऊपर अच्छा है कि उसके ऊपर आपको 10 बार वो स्क्रीन पे बताएगा ना राइट लेफ्ट सामने क्रॉस नीचे से तो भी आपको मजा आएगा, क्योंकि उसके अंदर उसकी एक्टिंग है,
और लगता है यहाँ कुछ कर रहा है वो, और देखने में मजा आता है, बोर नहीं होता है क्या कर रहा है, ऐसा नहीं है, आदमी खुश हो जाता है देखकर। अमित शर्मा का डायरेक्शन कमाल का है, बहुत बेहतरीन डायरेक्शन है वो। और मैं सुना हूँ अमित शर्मा काम के वक्त बहुत कड़क भी आदमी है, जो मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कड़क मतलब काम के लिए, अच्छा काम शॉट दो ओके, ऐसा भी है। और उसी की वो कड़क की वजह से ही ये फिल्म का बहुत अच्छी फिल्म बनी है ये। और साइड के जो 10 प्लेयर है उसके अंदर 2-3 प्लेयर, एक सरदार जी का काम है, और एक शॉट है उसे बहुत ज़बरदस्त गिराता है, सर फूट जाता है, एक को पैर पे मार लगती है, तो हाइट उसकी ज़्यादा होती है, गोलकीपर रहता है, यानी किरदार जो एक जो लिया है उसने बहुत बेहतरीन लिया है, और उस वक्त जो थे ना उसी को मैच करते हुए लिया है, आखिर में बताया उसको मैच करते हुए लिया है उसने। भाई इस फिल्म के लिए 4 दे दूंगा, अजय देवगन के लिए 5-6 दे दूंगा, 1+ दे दूंगा मैं, क्योंकि ये ऐसा एक्टर ना, ऐसा एक्टर को लेकर फिल्म बनाओ, और फिल्म बनाने के बाद ऑडियंस को बोलूँगा भाई ऐसी फिल्में देखो, हमको पहले हमारी हिस्ट्री में पता नहीं थी, जो हमारी हिस्ट्री में पता चले, चाहे कोई भी हो किसी भी गेम पे हो। थैंक यू सो मच।